सरगुजा जिले के कलेक्टर कुंदन कुमार अपने दल के साथ सड़कों पर पैदल ही निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने बुनियादी समस्याओं का जायजा लिया। आम जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलती हुई दिखाई दी। वहीं सड़कों की हालत खराब देखकर कलेक्टर भड़क उठे और लापरवाह अधिकारियों कर्मचारियों को फटकार लगाते हुए जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, अंबिकापुर नगर निगम की अधिकांश सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। शहर के मुख्य मार्ग से चक चौराहों की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे आए दिन घटनाएं हो रही हैं। जनप्रतिनिधियों ने नगर निगम में शिकायतें भी की और सड़कों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया और खुद ही सड़कों का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो रोड्स हैं उसको ठीक करने की हम लोगों को निर्देश मिले हैं, उसको उसी के तारतम्य में मैंने पहले बैठक ली थी मंगलवार को, और सभी जो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, जो रोड्स डिपार्टमेंट है, उनके साथ मैं इंस्पेक्शन करने के लिए निकला था। तो सारे रोड्स का मैं इंस्पेक्शन किया है, फिर अभी मैं बस स्टैंड पे आया हूँ। कुछ नागरिक सुविधाओं की कमी थी, पानी की, शौचालय की, ये सब की कुछ शिकायतें थी, और उसका कुछ दुकान वालों से भी बात किया, उनकी भी कुछ कुछ शिकायतें थी। निगम को निर्देशित किया गया है कि सभी शिकायतों को देखें।